किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विराट किसान में। किसान भाइयों मैं हूं राम सिंह। किसान भाइयों 2-3 सालों से प्याज का रेट बढ़िया एकदम बना हुआ है, तो ऐसे में अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो अच्छा इनकम कमा सकते हैं। किसान भाइयों प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, तो किसान भाइयों नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत की तैयारी करने से पहले किसान भाइयों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही खेती से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों प्याज की नर्सरी डालने का समय, सबसे पहला पॉइंट जो है किसान भाइयों प्याज की नर्सरी डालने का समय। तो किसान भाइयों प्याज की नर्सरी डालने की जो समय है, जो पुराने किसान हैं किसान भाइयों वो 20 अक्टूबर से शुरू करके जैसे ही बारिश समाप्त होती है, कुछ किसान भाई जो हैं सागा बेचने के तौर पे मार्केट में जो है 20 अक्टूबर से डालना शुरू कर देते हैं जैसे बारिश समाप्त होती है। तो हम कि आप दीपावली के बाद से प्याज की नर्सरी कर सकते हैं, और अंग्रेजी महीनों के द्वारा से आपको बताएं हम किसान में, तो नवंबर से आप प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं। नवंबर से शुरू करके पूरा दिसंबर तक आप प्याज की नर्सरी किसान भाइयों डाल सकते हैं। अब नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में नर्सरी तो डाल सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन दोनों महीनों में डालने का जो तरीका है वो अलग है। जो नवंबर का महीना है किसान भाइयों उसमें नर्सरी डालने के लिए, देखिए किसान भाइयों जो आप क्यारी देख रहे हैं ऐसे क्यारी को समतल एकदम बराबर करके जैसे गेहूं बिखेरा जाता है उसी तरह से बिखेर के खुरपे की मदद से उसमें थोड़ा 2 इंची तरे मिट्टी में मिला के, और जो नवंबर में डाली जाती है उसको मिला के ऊपर से पुआल बिछा देते हैं। ये नवंबर तक के सिस्टम में आता है किसान भाइयों। और अगर आप वही नर्सरी जब दिसंबर में डालने जाते हैं तो वहीं पे आपका सिस्टम तुरंत चेंज होता है किसान भाइयों। चेंज होने का मतलब है अगर आप दिसंबर में नर्सरी प्याज की डालते हैं तो आपको पानी में डालना पड़ेगा, पानी लगा के जैसे धान की नर्सरी डाली जाती है उसी तरह से डाला जाएगा किसान भाइयों। तो हम दिसंबर में नर्सरी अपनी डाल रहे हैं, तो दिसंबर में डालने की वजह से किसान भाइयों हम इसमें देखिए क्यारी को बना दिए हैं, बराबर बना दिए हैं एकदम। इस तरह से बनाने के बाद देखिए किसान भाइयों ये देखिए, देख सकते हैं आप 17 दिसंबर है आज, तो 17 दिसंबर को हम अपनी प्याज की नर्सरी को डाल रहे हैं। तो इसलिए हमको अब नवंबर वाली विधि को नहीं अपनाना है, तो हम पानी विधि से डालेंगे किसान भाइयों। देखिए अब देख सकते हैं आप, अब देखिए ये नाली बनाई गई किसान में पूरा माथे से माथले, इधर एक क्यारी ये एक क्यारी और 2-3 क्यारी दिख रही है आपको, ये खेत की तैयारी है किसान भाइयों देखिए, और एक क्यारी ये 2-3 क्यारी इसमें भी दिख रही है, यानी आप देखेंगे तो टोटल हम आपको बता दें हम 9 क्यारी बनाए हैं किसान भाइयों। देखिए गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7-8, ये दूसरी नाली है, यो ये को नाली है, और एक ऐसे बनाए हुए हम और ये ऐसे बनाए हुए देख सकते हैं आप। तो इस तरह से किसान भाइयों हम क्यारी बना दिए हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से आप क्यारी बनाइए। अब दूसरा चीज इसमें किसान भाइयों है जो बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत जरूरी है किसान भाइयों, जैसे कि प्याज की वैरायटी। प्याज की वैरायटी में किसान भाइयों अपने नज़दीकी दुकानदार के पास जाइए, उनसे कह दीजिए कि हमको ज़्यादा भंडारण क्षमता वाली यानी अधिक लंबे समय तक जो अंकुरण ना हो ऐसी प्याज दीजिए। किसान भाइयों हर एरिया में हर बहुत सी कंपनियों का बीज उपलब्ध है, तो ऐसे में किसान भाइयों हम तो खेती करते हैं जो वो हमारे जो बीज हमारे यहाँ के जो बीज भंडार हैं वही बीज को पैदा करके देते हैं,
वही पैदा करते हैं, वो महंगे देते हैं, वो मार्केट में जो प्याज होती है उससे महंगे देते हैं, तो हम उसी को ले आए हैं। तो वैरायटी में वही किसान भाई, उनसे उनके विश्वास के ऊपर आप ले आइए। और मान लीजिए कुछ वैरायटी मार्केट में है जो आगे हम आपको बताएंगे, तो किसान भाई वैरायटी आप वही उनके दुकान के हिसाब से ले लीजिए, या तो वो खुद पैदा किए हैं तो वो भी बीज विश्वसनीय होता है, वो विश्वास गारंटी के साथ वो देते, पैकेट वाले पे नहीं गारंटी लेते हैं, लेकिन जो पैदा किए रहते हैं उसकी गारंटी लोग लेते हैं, कहते हैं अगर फूट जाएगी तो हम ये वो करेंगे, तमाम बात बताते हैं। तो किसान भाई वैरायटी की बात हो गई, तो किसान भाई अब खेत की तैयारी, किसान भाई जो खेत की तैयारी बस वही है कि अब बढ़िया से क्यारी अपना बना लीजिए, जिस तरह हम बनाए हुए हैं आप ये देख सकते हैं, यहाँ से एक नाली निकाले हैं, वो एक नाली है, बस हर क्यारी पे एक नाली हम बना दिए हैं। अब ये नाली बनाने का फायदा आपको आगे हम दिखाएंगे किसान भाइयों। तो इस तरह से आप, अब किसान भाइयों आपको हम बताते हैं 2 किलो बीज के लिए कितने खेत की जरूरत पड़ती है, तो आपको हम अपने भाषा में किसान भाइयों समझा। ये देखिए किसान भाइयों, ये एक बांस का डंडा हुआ, डंडा है किसान भाई, देखिए आपको नजदीक से हम दिखाते हैं, एक हम बांस का डंडा काटे हुए हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए शुरू हुआ है, ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं, 99 इंची का है किसान भाइयों, ये देखिए ये देखिए ये 99 इंची का है किसान भाइयों। तो 99 इंची का जो है इसको हम ऐसे, जो 3 क्यारी इस तरह से दिख रही किसान भाइयों, तो ऐसे हम 5 कट्ठा लिए हैं, 5 लाठा, इसी से 5 यानी 99 99 इंची का 5 लिए हैं ऐसे। और जो आप इस तरह से देख रहे हैं किसान भाइयों, इस तरह से आपको दिखा दें, ये ऐसे ऐसे जो देख रहे हैं ये 9, उसी से हम 9 नापे हुए हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों 5 ऐसे और 9 ऐसे खेत ले लिए हैं, 99 का बनाए हैं, और उसके बाद 5 ऐसे, 5 इस तरह से बेंडिया और 9 खड़िया, इस तरह से लेने के बाद किसान भाइयों अब इसमें हम 9 क्यारी बना दी। तो इस तरह से यानी एक क्यारी में हमारा 200 ग्राम बीज लगभग पड़ेगा। तो अब किसान भाइयों खेत आपको समझ में आ गया कि कितना खेत हमको लेना है, आप अपने उस हिसाब से चयन आप करिएगा किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों अब देखिए हम इसमें अब पानी चलाएंगे किसान भाइयों। अब देखिए किसान भाइयों हम अपने सभी क्यारियों में पानी चला लिए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए ये क्यारी, 2 क्यारी 3 4 5 6 पूरा क्यारी में हम पानी अपने चला लिए। पानी चलाने के बाद किसान भाई इसमें हमारा खेत नापने से 2 बिस्सा 2 बिस्सा 25 पॉइंट यानी 2.25 बिस्सा बन रहा है किसान भाइयों। तो 2.25 बिस्सा बन रहा है, तो 2.25 बिस्सा में हम किसान भाई 2 किलो DAP और इसमें स्प्रिंट डाल रहे हैं, जिसमें कार्बेंडा जिम 25% प्लस मैंकोजेब 50% WS फॉर्म में, इसी को हम मिक्स किया जाएगा किसान भाइयों। देखिए इसमें हम 3 स्प्रिंट 2 किलो DAP में मिला रहे हैं किसान भाइयों, देख सकते हैं इसको बहुत डालना जरूरी होता है किसान भाइयों, पौधे की गलन को लगभग ये रोकता है कुछ समय के लिए। तो आप देखिए इसको हम इसमें, देखिए किसान भाइयों 25 ग्राम का है, 3 हम मिला दिए हैं, 3 मिलाने के बाद अब इसमें हम इसको मिक्स करके बराबर बराबर क्यारियों में बिखेर देंगे। तो चलिए इसको बिखेर के अब हम इसको छोड़ देते हैं किसान भाइयों, पानी सूखने देते हैं, थोड़ा सा पानी काफ़ी भर दिए हैं, ये अभी हमारे यहाँ सूख जाता है, बहुत तेज़ी से सूखता है, अभी 1 घंटा में सूख जाएगा। तो 1 घंटा में हम इसकी प्याज की नर्सरी को इसमें डालेंगे किसान भाई, इसको हम बिखेरते हैं। किसान भाई इसको आप पहले भी डाल सकते हैं, अगर आप खेत की कोड़ाई करते हैं तो उस समय आप डाल दीजिए तो बहुत बढ़िया रहे। देखिए किसान भाई मिक्स तैयार है, अब इसको छींटा जाएगा। देखिए किसान भाई इसी तरह से आप पूरा स्प्रिंट और DAP को बिखेर दीजिए।
बिखेरने के बाद, पानी सूख जाने के बाद, तब आप इसमें दाना को छींट। देखिए किसान भाइयों, ये हमारा बीज है, आप देख सकते हैं ये कि अंकुरण, ये देखिए ऐसे अंकुरण जब हो जाता है तो इसको डाला जाता है। तो इसका पीछे का प्रोसेस किसान भाइयों हम आपको अब दिखाते हैं। बीज बाजार से खरीद के ले आइए और उसको डायरेक्ट पानी में 24 घंटा के लिए भिगो दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं हम एक बर्तन में इसको ज़्यादा पानी की मात्रा में भिगो दिए, ऐसा कम ना हो। उसको आप 24 घंटा बाद, आज यानी आज सुबह भेजें तो कल सुबह आप उसको किसी मच्छरदानी या कपड़े की मदद से, आप जिस तरह वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको, उस तरह से छान लीजिए। किसान भाई देखिए, इस तरह छानने के बाद आप बढ़िया से सब बीजों को बर्तन में से निकाल लीजिए, एक एक चिपका रहता है काफ़ी। और निकालने के बाद अब आप इसको देखिए, इस तरह से आप निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा। उसके बाद जो आप कपड़ा या मच्छरदानी इस्तेमाल किए हैं उसको आप इसमें तसले में से उठा लीजिए। तसले में से उठाने के बाद किसान भाइयों, इस तरह आप एक जो आलू वाला बोरा आता है, जो मार्केट में आसानी से आलू जिसमें आता है, वो वही वाला बोरा आप एक भिगा के ले लीजिए। आप इस तरह से ये कपड़ा हो या मच्छरदानी, इसको आप इस तरह से उस पर डाल दीजिए। बीज को बोरे पे, जूट के बोरे पे रख दीजिए। अब जूट के बोरे पे रखने के बाद किसान भाइयों, इसको एक बोरा और ले लीजिए। आप देखिए, एक या दो बोरा ले सकते हैं आप, हम भी दो बोरा इसकी तरह पानी में आप भिगा दीजिए। बढ़िया से भिगाने के बाद किसान भाइयों, इसको ढक दीजिए। इसको ढकने के बाद किसान भाइयों, अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए ताकि ये अंकुरण बढ़िया से हो जाए, हवा ना लगे आसपास से। एक बोरा इस पर और डाल के किसान भाइयों, हम अब इस पर ईंट रख दे रहे हैं। दो बोरा रख दिए हैं। ईंट रखने के बाद किसान भाइयों, आप ईंट रख दीजिए ताकि कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर आए इसको आसानी से खोल ना सके। अब हम इसको 24 घंटा बाद किसान भाइयों खोलते हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, अब 24 घंटा हो चुका है, हम बीज को खोल रहे हैं। अब देखते हैं इसका अंकुरण कैसा हुआ है। बीच में आप एकाक बेर पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हम इसको बीज को अपने 24 घंटा बाद खोल चुके हैं और आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इसमें अंकुरण देख सकते हैं आप, छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है। तो इसी तरह से हो जाए तो आपकी नर्सरी एकदम डालने के लिए तैयार है किसान भाई। तो चलिए अब हम आपको खेत में चलते हैं जहाँ हम अपनी नर्सरी को, अब इसको किसान भाइयों, इसको छींटने के लिए इसको राख में मिलाया जाता है, जो चूल्हे में से निकलती है। देखिए ये चूल्हे में से जो निकलती है राख, इसी को हम ले लिए हैं किसान भाइयों। ये लेने के बाद आप देख सकते हैं इसको छान लिए हैं, जो चुनाई करते हैं जिसको, जिससे रेत को छानते हैं उसी से हम छान के एकदम कर लिए हैं हल एकदम बढ़िया। देख लीजिए किसान भाई, इसको एक तसला में हम लेते हैं थोड़ा सा। देखिए किसान भाई, इसको इसमें हम ले लेते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा लेके देखिए, इसको इस तरह से राख को लेंगे हम। राख को लेने के बाद किसान भाइयों, अब इसमें हम मिलाएंगे अच्छी तरह से ताकि छींटने में आसानी हो, छिटक जाए। देखिए किसान भाइयों, इसको हम राखी में मिला के, जो चूल्हे से निकलती है उसमें दो भाग कर लिए हैं, अब तीन क्यारी यानी आधा आधा कर लिए हैं। अब नौ क्यारी हमारा खेत है, अब इसमें हम देखिए किस तरह से बिखेरते हैं किसान भाइयों। इसी तरह से आपको बिखेरना है, आपको बिखेरना है। देखिए आप ये ध्यान देते रहिए कि बीज बराबर गिरे। तो इस तरह से देखिए किसान भाइयों, इस तरह से बराबर आप बिखेर दीजिए। अब इसको बिखेरने के बाद किसान भाइयों, जब आपका ये पानी सूख जाए उसके बाद एक कार्य और करना होता है, उसको हम आगे आपको दिखाएंगे किसान भाइयों। 12 घंटा बाद देखिए खेत में हमारे पानी सूख गया है,
पानी सूखने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ बीज हम जो छींटे हैं किसान भाई, इस तरह से देख दिख रहा है आपको, देखिए आप इस तरह से दिख रहा है। तो ये पूरी क्यारी सूख चुकी है इस तरह से। अब इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसको आगे आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये चूल्हे की राख यही होती है, देखिए इसी को हम दो तीन बोरा रखते हैं। देखिए देखिए झरने की मदद से इसी तरह से इसको चाल लीजिए, इसमें जो बड़े बड़े होते हैं उसको निकाल के उसके बाद किसान भाइयों इसके बाद राखी का एक परत बिछा दीजिए। राखी का एक परत बिछाने के बाद इसके बाद ऊपर इसमें मिट्टी बिछाई जाएगी। देखिए देखिए इस तरह से राखी का आप एक लेयर पहले बना दीजिए, उसके बाद मिट्टी चढ़ाना है किसान भाइयों। देखिए राखी का लेयर बनाने के बाद अब उसमें मिट्टी, देखिए साइड से जो नाली बनाए हैं उस नाली में से मिट्टी उठा के इस तरह से इसको लकड़ी के डंडे की मदद से पीटने के बाद इसमें लगभग एक इंची या आधा इंची, जो आप एक इंची से लेके आधा इंची तक भी तोप देते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा रहा है एकदम, बस इसको अब इसमें छींटा जाएगा। इस तरह से पूरा एकदम हर एक क्यारी में देखिए किसान भाई यही मिट्टी फेंकने के लिए हम इसमें क्यारी के चारों तरफ से नाली बनाए हुए, देखिए ये नाली, देखिए यही मिट्टी हम उठा के इसमें फेंक देंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से हर तरफ से, देखिए हर तरफ क्यारी के हम चारों तरफ से नाली एक निकाल दिए हैं। देखिए नाली हम इसीलिए बनाए हैं, देखिए यहाँ बनाए, ये भी नाली सूखी पड़ी है, सब चारों तरफ की नाली जो समय ये सूखी ही से पड़ी है। इसमें से हम मिट्टी अब अपने सभी 9 क्यारी बनाए हैं, 9 क्यारियों में मिट्टी से हम इसको तोप देंगे। तोपने के बाद किसान भाई मिलते हैं अब हम आपसे इसका अंकुरण होने के बाद। 10 दिन बाद किसान भाइयों हमारे नर्सरी में अंकुरण दिखा है, दिखा मतलब 2 दिन पहले ही दिखा, लेकिन हम 10 दिन बाद बना रहे हैं किसान भाइयों, जो आपको हम लाइव दिखा दे किसान भाई। देखिए आज है 27 दिसंबर, हम 17 दिसंबर को डाले थे तो आज है 27 दिसंबर, तो 10 दिन के बाद हमारी नर्सरी का कुछ अंकुरण इस तरह से किसान भाइयों हुआ है। हम आपको अभी दिखाते हैं नज़दीक से, देखिए किसान भाइयों ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किसान भाई ये आप पूरे क्यारी में देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा बराबर 100% लगभग जर्मिनेशन इस तरह से होता है किसान भाइयों। अगर यही दूसरी विधि से अगर हम डाले होते तो किसान भाइयों ये अंकुरण पुआर उवार से तोपने के बाद भी इतना अंकुरण नहीं होता किसान भाइयों। तो इस तरह से आप दिसंबर में नर्सरी डाल के किसान भाइयों बढ़िया अंकुरण दे सकते हैं। आपको हम दूसरी क्यारी में दिखा रहे हैं किसान भाइयों, तो ये देखिए दूसरी क्यारी का भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दूसरी क्यारी का है किसान भाइयों, यानी किसी भी क्यारी में आप लेंगे देखिए आप सब में बराबर अंकुरण हो गया है किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों अब इसका अंकुरण हो गया है, अब आप इसमें ध्यान दीजिए किसान भाइयों, एक चीज इसमें एक स्प्रे पहला कर दीजिए, पहला स्प्रे इसमें किसान भाइयों जो है आपको 50 ग्राम
वाविस्टिन जिसमें करवेंडा जीम, और 50 ग्राम M45 जिसमें मैंकोजेब होता है। तो यानी M45 जिसको कहते हैं और वाविस्टिन वैसे, तो दोनों को 50-50 ग्राम डाल के एक टंकी में आप दो वैसा खेत में एक टंकी में आप स्प्रे कर दीजिए, जो है आपके पौधे मरेंगे नहीं किसान भाई। अगर उसके छिड़काव करने के बाद भी अगर ध्यान दीजिए पौधे अगर फिर भी मर रहे हैं किसान भाई, तो आप वायर का नेटियो जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है उसको आप एक टंकी में 10 ग्राम डाल के, एक टंकी में 10 ग्राम डाल के इसमें छिड़काव कर देंगे, आपका एक पौधा मरेगा नहीं और आपकी नर्सरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों ये थी कुछ प्याज की नर्सरी की डालने की पूरी जानकारी जो हम आपको बता दिए हैं किसान भाइयों। तो इस तरह से आप प्याज की नर्सरी डालिए और प्याज की खेती करिए। तो अब किसान भाइयों अगर इसमें कोई डाउट आपको रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी नर्सरी मान के चलिए 45 से आप 50 दिन में तैयार हो जाएगी, तो आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो हम इसकी रोपाई वाली जो वीडियो है किसान भाइयों लेके आएंगे, और प्लस इसमें जब पानी चलाएंगे और जो भी है वो कार्य आपको हम दिखाएंगे। तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों यह प्याज की नर्सरी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए किसान भाइयों मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।